Welcome back to Blessing Zero. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? Who is your destined partner? Who are you fated to meet with? Okay? किसके साथ आपकी किस्मत जुड़ी है, किसका मिलना आपकी किस्मत में लिखा है? So this is all about that. Okay, so you need to choose your pile first of all, and these are your birth dates. Pile number 1 and pile number 2, ये है आपके birth dates, जिस डेट पर आपका जन्म हुआ था. Okay, you can choose that. और जो लोग intuitively group choose करते हैं, आपके लिए मेरे पास दो beautiful से goddess cards हैं. Pile number 1, goddess Artemis, guardian, angel. And pile number 2, goddess Ostara, fertility. Okay, so whichever is calling you most, आप choose कर ले उसको. और yeah, I will see you on your reading. आपके जो timestamps हैं वो description box में mention हैं, आप उसको choose कर सकते हो, वहाँ से जा कर देख सकते हो. I will see you on your reading and yeah, see you there. वेलकम ग्रुप नंबर 1, आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज करी थी. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, योर डेस्टाइन पार्टनर. सो सबसे पहले है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स. वाओ वाओ इंटरेस्टिंग, नाइट ऑफ कप्स एंड दिस इज द टावर एनर्जी. Who is your destined partner with this Queen of Swords? And you're getting the world energy. So, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, that is related to your person. Because आपके जो person है, I think group number 1, आपके person अभी आपके साथ नहीं है. या तो आप बिल्कुल सिंगल हैं, या फिर ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और ये बहुत दूर है आपसे, बहुत दूर है, मतलब लिटरली आउट ऑफ योर रीच एब्सोल्युटली. ठीक है, या तो फिर ये किसी और देश में रहते हैं. ठीक है, इवन इफ दे आर नॉट, स्टिल दिस पर्सन इज सो फार अवे, मैं भी किसी और सिटी में रहते हो आपकी कंट्री में ही, लेकिन मतलब आपकी रीच आपसे बिल्कुल ही रीच नहीं है, आपकी बिल्कुल रीच नहीं है, बिल्कुल पहुंच नहीं है वहाँ तक. और मे बी यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ठीक है, या फिर ये टावर एनर्जी है, मे बी आप लोग सेपरेटेड हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ब्रेकअप हो रखा है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म का कोई कम्युनिकेशन है यहाँ ग्रुप नंबर 1 के पर्सन के लिए. बट द थिंग इज हियर विद द क्वीन ऑफ सोर्स, आई कैन सी द कम्युनिकेशन कमिंग. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, मे बी दिस पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू ऑल्सो, ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं. और ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है, जिसे बोलते हैं मिस करना ना आपको, खुद पर्सन दिस पर्सन लिटरली मिस यू अ लॉट, और ये नहीं रह सकते आपके बिना, एंड दे नो दैट. समहाउ जो आपके पर्सन है, मे बी दे आर होल्डिंग द प्रपोजल इन देयर हैंड. ठीक है, उन्होंने एक प्रपोजल हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये पर्सन लिटरली दे वांट टू कम इनटू योर लाइफ विद अ लव या मैरिज प्रपोजल. उनको ऐसे लगता है, उनको ऐसे पता है कि लिटरली कि दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, और समहाउ आप ही उनके डिवाइन पार्टनर हैं, और वो उस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकते. ओके, और समहाउ मुझे ऐसे दिखता है कि मे बी ये इंसान टावर मोमेंट से गुजर रहा है. हो सकता है वो किसी ऐसे कार्मिक कनेक्शन में हो कि जो जिसको वो अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं. लेकिन क्वीन ऑफ सोर्स, लिटरली दिस पर्सन इज़ गेटिंग सो डायरेक्ट ना. ठीक है, बहुत डायरेक्ट हो रहा है अपने, मतलब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, और वो उससे बोल रहा है कि भाई तुम जाओ लिटरली, क्योंकि वो आपको नहीं खोना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर वो आपको नहीं खोना चाहते हैं.
सो आई कैन सी कि क्लैरिटी आ रही है, आई कैन सी कि थिंग्स चीज़ें जो है बेहतर हो रही हैं पहले की नस्बत, बट द थिंग इज़ ये है कि आपको यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी और बहुत पेशेंस जो है वो दिखाना पड़ेगा. ओके लेट्स सी मोर, यू आर फिटेड टू मीट दी नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी नाइन ऑफ वॉन्ड्स. देखो हाँ देखो रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, मे बी यू हैव बीन इन अ रिलेशनशिप के जहाँ पर रुकावटें थी, या फिर आपकी जो शादी का मामला में बहुत डिले रहे हैं शुरू से ही, या तो मे बी आपके रिलेटिव्स वगैरह कोई जालस बहुत नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, वो रीज़न है कि यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, या आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है. बट स्टिल आई कैन सी पॉजिटिविटी. यहाँ पर आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा. देखो ग्रुप वन द स्टार, देखो आप अपने गॉड से बिल्कुल हेल्प मांगो, क्योंकि पहली तो बात है क्योंकि यह स्टार कार्ड है, यू आर अ स्टार चाइल्ड, ठीक है, आप कोई आम इंसान नहीं हो, ठीक है. देखो बाज़ का होता ही है कि लिटरली कि जो लोग जो है ना गॉड के ज़्यादा करीब होते हैं उस पर ज़्यादा यू नो नेगेटिविटी के जो हमले जिसे बोलते हैं ना होते हैं, माया के हमले ज़्यादा होते हैं, ठीक है. यू नीड टू एम्ब्रेस दिस थिंग और आपको यू जस्ट नीड टू मूव फॉरवर्ड, आप प्रे करो. ओके और यहाँ पे ये है कि डेस्टिनी की बहुत बड़ी एक चीज़ है जो कि शिफ्ट हुई है, और वो आपकी हक में, मतलब लिटरली आपकी इस केस में जिस तरह आपकी डेस्टिनी चल रही है उसको ना, जिसे बोलते हैं ना कि एक मैसिव शिफ्ट है, ठीक है. अगर आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का पता है तो लिटरली जो जुपिटर है वो 25 मई को जेमिनी में एंटर कर चुका है. अब वो यहाँ पर एक साल पूरा ऑलमोस्ट रहेगा फॉर द नेक्स्ट जून 2025, ठीक है, यहाँ एक साल पूरा रहेगा. अब देखो अब डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर कहाँ है, ठीक है. दूसरी बात है कि यहाँ पर जो जेमिनी में शिफ्ट है जुपिटर का, दैट इज़ लिटरली रिप्रेजेंटिंग कि आप जिस भी फील्ड में हाथ डालेंगे, ठीक है, वो एक्सपैंड करेगी, क्योंकि जुपिटर जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन. ओके तो जो भी चीज़ है वो एक्सपैंड करेगी. सो आई कैन सी हियर कि जहाँ तो आपकी शादी का मसला, यहाँ पर आपका करियर का मसला, जिस भी चीज़ में अब आप इंटरेस्टेड हो गए, जिस भी चीज़ को आप एक्सपैंड करना चाहते हो, दिस इज़ द आइडियल टाइम, स्पेशली फॉर द एयर साइंस लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी सन मून राइजिंग एंड वीनस. ओके तो यहाँ पर स्टार्ट कार्ड के आना भी इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि योर डेस्टिनी हैज़ अलाइंड विद योर गोल्स. आप जो चाहते हो, अगर आप शादी करना चाहते हो, यू नीड टू पुट योर एनर्जी इन टू दैट, यू विल गेट मैरिड और एक्सपैंड होगी आपकी, मतलब ये एनर्जी शादी की और बच्चे और योर फैमिली लाइफ वुड एक्सपैंड. ओके सो बी केयरफुल. राइट अनदर थिंग इज नाइन ऑफ कप्स, वी टेकिंग इट अप राइट बिकॉज इट दिस एनर्जी इज लिटरली कॉलिंग यू टू हैव अ फन. सो जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, दैट इज़ ऑल्सो सच अ विश फुलफिलमेंट ऑफ योर्स, सही है. ये पर्सन बहुत सेटिस्फाई रखेगा आपको और आपको बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी मिलने के चांसेस हैं ग्रुप नंबर वन के सिलसिले में. सो आई कैन ऑल्सो से कि यहाँ पर जो आप और आपका पर्सन है, क्योंकि स्टार और नाइन ऑफ कप्स यू नो इकट्ठा इकट्ठा आना, दोनों कार्ड ही आपके विश फुलफिलमेंट के कार्ड है, सही है. तो विश इतनी आपकी फुलफिल होने वाली है कि लिटरली यू आर गोइंग टू बी डांसिंग विद जॉय, आप बहुत खुश होगे, ठीक है. और मतलब जो आपकी ख्वाहिश है ये इंसान वैसा ही होगा. सो या लेट्स सी मोर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लाइक लिटरली इट्स टाइम टू गेट व्हाट यू वांट, ठीक है. और आपका डेस्टाइन पर्सन इतना ज़्यादा दिल का खुला होगा, अच्छा होगा कि लिटरली आप इवन इफ यू वांट समथिंग फाइनेंशियली, ये सब चीज़ें दे आर नेवर गोइंग टू से नो टू यू, जो भी आपका हो. ओके जो भी आपका हो, ये इंसान कभी भी आपको नो नहीं कह पाएगा. अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस पर्सन लव्स यू फॉर योर फेमिनिटी, फॉर योर डिविनिटी और आपके सेंसिटिव और केयरिंग नेचर,
इस पर्सन को बहुत पसंद होगी। दूसरी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स वही होती है जो कि बहुत ज़्यादा लाडली होती है बहुत ज़्यादा पसंद की होती है अपने स्पाउस की। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू आर। क्वीन ऑफ कप्स इज़ दी यू नो द ओनली क्वीन जो कि लिटरली अपने क्वीन किंग के दिल पर राज करती है ड्यू टू हर फेमिनिन नेचर, केयरिंग नेचर। ठीक है, और इस प्रीस्ट को आपके लुक्स, आपकी बॉडी, हर चीज़ से इंसान एडिक्टेड होगा, लिटरली एडिक्टेड, इवन टू योर सेंट इवन। ठीक है, आपके जो खुशबू है उससे भी इंसान एडिक्टेड होगा। ये दे कैनॉट टेक दिस थिंग एट ऑल। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, देखो उसका दिल अभी में भी करेंटली देर हार्ट ब्रोकन, यू नेवर नो, या तो रिसेंटली आपने अभी इनका दिल तोड़ा है रिसेंटली, तो इंसान उसको कवर नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। ओके, एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट लॉसेस, परेशानी, या मे बी दिस पर्सन इज प्लानिंग अ डिवोर्स विद देयर एक्स, मतलब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। बहरहाल जो भी इस पर्सन की लाइफ में हो रहा है या नहीं हो रहा, स्टिल जब भी आपके पर्सन लाइफ में आएगा पर्सन, सब कुछ बैलेंस होगा। और अगर कुछ बैलेंस अभी नहीं चल रहा है तो रीज़न यही है कि अभी आप इसको मिले नहीं हो, या फिर यू बोथ आर लिटरली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो कंप्लीशन की बड़ी वाइब आ रही है भाई, मे बी दिस पर्सन इज पासिंग फ्रॉम कंप्लीशन। हाँ, इतनी नहीं आ सकती एनर्जी बाय नंबर वन, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू कंप्लीशन, डाइवोर्स, या फिर मे बी ये पर्सन करियर के सिलसिले में भी ब्रॉड जा रहे हैं। यू कैन नेजोनेट हाउ इट इज, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देर कीपिंग एन आई ओवर यू। बहरहाल ये पर्सन पाइल नंबर वन, आप इसको जानते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, चाहे दूर है, फिजिकल डिस्टेंस है, बहुत दूर हो, रीचेबल नहीं हो, लेकिन ये पर्सन आपको देखता है, आपको सोशल मीडिया या एनीथिंग इज पॉसिबल हियर। द हायरोफेंट, हायरोफेंट के साथ ये पर्सन, मतलब ये इंसान चार्ज लेने वाला होगा, आपकी ज़िम्मेदारी उठाने वाला होगा, ठीक है ना। हायरोफेंट एनर्जी जब भी आती है इट रिप्रेजेंट्स शांति, आपका सोलमेट एंड अ पैचअप एज वेल। ओके, सो ये काफ़ी कमिटेड होते हैं हायरोफेंट के साथ। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन, के वो क्या करते क्या है वर्क वाइज। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर वन, ट्रस्ट एंड फेथ। सबसे तो पहले ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है, मतलब इनके स्पिरिचुअल बिलीव्स, इनके रिलीजियस बिलीव्स बहुत स्ट्रांग होंगे। ये ब्लाइंड ट्रस्ट रखता है यूनिवर्स पर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली दिस इज़ वोज, सो मे बी क्योंकि ये पर्सन बहुत सिंपथेटिक है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है पुअर, नीडी, अनफॉर्चुनेट या ऑर्फन्स। ओके, उनकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, दिस इज़ हाउ दे आर। सो मे बी इनका प्रोफेशन भी इससे रिलेटेड हो सकता है, चैरिटी करना, ठीक है। मे बी इनके मे बी इनकी वैसे हॉबी है, या ये वैसे यू नो वॉलंटेरली करते हैं कुछ इस तरह के काम, काफ़ी करते हैं सोशल वेलफेयर के, फार्मिंग इनका हो सकता है यू नो प्रोफेशन, या फिर हो सकता है इनके पेरेंट्स की या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत सारी ज़मीनें थी जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, या फिर इनके इन्होंने लोग रखे हुए हैं ज़मीनों पर काम करने के लिए। ओके, ऑल्सो विद इजिप्ट, सो मे बी इजिप्ट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। यहाँ पे इजिप्ट से मुझे ये भी लगता है मे बी पेट्रोल, ऑयल, यहाँ पर इस तरह का कुछ पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन, इस तरह का कोई इनका वर्क हो सकता है। यहाँ पे ये पेट्रोलियम में इन्होंने इंजीनियरिंग की हो, ऑयल एंड पेट्रोलियम्स में, मेटलर्जी वगैरह, ठीक है। अगेन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है इनका रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से। ओके, सो दिस इज़ योर स्पाउस पाइल नंबर वन, दिस इज़ योर स्पाउस एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू हैव यू, और दे आर प्लानिंग टू मैरी यू 100%। आपके साथ शादी करने का इनका पक्का पक्का प्लान जो है वो बन रहा है। ट्रीज हीलिंग ऑरा, ठीक है, ये पर्सन बहुत हीलिंग है, ये बहुत हील करेगा आपको।
आप बहुत खुश रहोगे इसके साथ। लिटरली आपको लगेगा कि पता नहीं मैंने कौन से ऐसे कर्म किए हैं कि लिटरली मुझे ऐसा पर्सन मिला है। क्योंकि ट्री का आना था, स्पाउस का आना, स्पिरिचुअल मतलब एक इंसान जो स्पिरिचुअली हील्ड है, एक पर्सन जो कि नार्सिसिस्ट नहीं है, एक पर्सन ऐसा कि जो कि आपकी हर किस्म में हर तरह की आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, लिटरली उससे बड़ा आपके लिए क्या गिफ्ट हो सकता है, राइट? सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अदर डिटेल्स फ्रॉम दी मिस्ट्री बॉल मैसेजेस एंड मोर। के कौन है? ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर वन। ओके योर डिस्टेंट पार्टनर ग्रीन आईज, सो यू नेवर नो, नाइस स्मेल। एक और चीज़ मुझे ऐसे वाइब आई थी आपके पर्सन के बारे में कि एज इफ देयर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुल रिगार्डिंग देयर हाइजीन, ठीक है? साउथ अमेरिका, सो साउथ अमेरिका, वाइट शर्ट, ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, डील्स इन क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल करेंसीज, खाई और यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यू आर अबाउट टू मीट देम, ठीक है? बहुत ज़्यादा कम समय रह गया आप दोनों के यूनियन में, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। साउथ कोरिया, साइकिक एबिलिटीज, ठीक है? डॉक्टर या नर्स, हीलिंग ऑरा है, इनका प्रोफेशन भी हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है, यू नेवर नो। सेल्फ मेड पर्सन, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स से हो सकते हैं ये, फॉरेन कंट्री की बड़ी वाइब आ रही है। स्लिम बिल्ट, बर्डिन की स्लिम है, रेस्टोरेंट, shy person, your ex, oh my gosh, but of course ये सब के लिए नहीं है ग्रुप वन, योर एक्स सब के लिए नहीं है, these are not private readings। आपने बिल्कुल भी अपने एक्स को कॉन्टैक्ट नहीं करना अगर वो आपसे नहीं करना चाहते या फिर वो टॉक्सिक है, कार्मिक है, सही है? USA, अमेरिका, ब्लू कार, एंड दिस इज अ डीप वॉइस, सैटर्न की एनर्जी है, नॉट डू नॉट चेज, ठीक है? आपने चेज नहीं करना, दे विल कम टू यू बाय देमसेल्व्स, LA या फिर USA, राइट? लेट्स मूव टूवर्ड्स देयर नेम इनिशियल्स एंड सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके जी, पाइल नंबर वन आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स है ये, सबसे पहले है जी W, P, N, I, Q, L, so it can be Nikhil or Nick, M, H, M, G, this is B, A, F, fab, so looking fab maybe, right? So W, P, N, I, Q, G, L, H, M, F, A, B, right? So that's it for today, group number one. I hope you enjoyed your reading. Till next time, take care, love you, and bye. Hello, welcome, group number two. सेकेंड ऑप्शन आपने चूज की, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू माय लव विद योर डिस्टेंट पार्टनर एंड या व्हाट इज देयर फॉर यू। सो यू आर गेटिंग द एट ऑफ पेंटिकल्स हियर, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, एक एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी यस दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स एंड द टेन ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग,
यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एनर्जी एंड द कप्स एनर्जी, मतलब एयर साइन और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन है, द जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और पाइसेस कैंसर और स्कॉर्पियो, ये कपल है, ये इन्हीं साइंस का मैच होगा। ये हो सकती है आपके सन मून या राइजिंग में, ठीक है। अच्छा, बात ये है पाइल नंबर टू के कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपके वर्क का, क्योंकि यहाँ है एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क। ये पर्सन हो सकता है आपको जो मिले, ठीक है, आप लोग अपने वर्क सेटिंग वर्क प्लेस पर एक दूसरे से मिले, जहाँ आप जॉब करने जाते हो या जहाँ आप पढ़ने जाते हो, ओके। और ये पर्सन आपकी हार्ड वर्क और आपकी जो है ना स्किल्स, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा। सो या फिर हो सकता है आपको जॉब दिलवाने में इस पर्सन का बहुत बड़ा हाथ रहा हो कभी, ठीक है। तो बहरहाल किसी ना किसी आपकी फाइनेंसेस में हेल्प या आपके कॉलेज स्कूल वर्क ऑफिस प्लेस ऐसी कुछ कनेक्शन है, मनी का कुछ कनेक्शन है इस पर्सन के मिलने से, ठीक है। तो ये पर्सन वहाँ आपको इस तरह इस किस्म की किसी सेटिंग में आपको उसने देखा होगा, देन ही वुड कम फॉरवर्ड टू प्रपोज यू, सी एस ऑफ सोर्स, ठीक है। मतलब आपको देखते ही, जिसे वेबसाइट बोलते हैं ना, देखते फर्स्ट क्लिक, दैट इज़ द फर्स्ट क्लिक ये पर्सन को होगा आपको देख के, दिस शी इज़ द वन, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी का कार्ड है, एक न्यू कम्युनिकेशन, जैसे कोई सोचता नहीं कि इसे कोई इंसान के जहन में एक नई सोच आती है, दैट इज़ द थिंग, ये आपको देख के उसके मन में आएगा, ठीक है। और मन में क्या आएगा, टेन ऑफ कप्स, कि मैं जो हूँ ना इसको अपना स्पाउस बनाऊँ, मैं इससे शादी करूँ, ओके, और मतलब हम इस तरह से हस्बैंड वाइफ हों, हमारे बच्चे हों, हमारा बहुत प्यारा सा घर हो। और टेन ऑफ कप्स तो वैसे भी यू नो हैप्पी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और लाइक हैप्पी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो पाइल नंबर टू, आई बिलीव कि ये पर्सन बहुत होमली पर्सन है, बेशक इसने आपको एज अ ऐसी वाइफ चूज़ किया था कि जो कि करियर ओरिएंटेड थी, ठीक है, यहाँ पे करियर से रिलेटेड इसने आपको चूज़ किया था, बट फाइनली यू विल एंड अप बीइंग इन देयर होम, ठीक है, तो फाइनली आपको अपने घर ले जाएंगे, ओके। सो दिस इज अबाउट टेन ऑफ पेंट, ओ माय गॉड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स कमिंग अप टुगेदर, सो हो सकता है ये डेस्टिनेड पार्टनर है आपका, हो सकता है शादी के बाद भी आप अपने करियर को परस्यू रखो, और ये पर्सन आपको कभी मना नहीं करेगा, रादर ये पर्सन आपको इनकरेज करेगा कि तुम करो काम, तो अपने ड्रीम्स परस्यू करो जो तुम्हारे हैं। शादी से पहले जब तुम अनमैरिड थी, जो तुम सोचती थी मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी, यू वांट टू डू दैट, डू दैट, ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये इसकी एनर्जी है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ना सिर्फ ये बल्कि उनका पूरा जो परिवार है, पूरी फैमिली उनकी, मतलब आपका जो ससुराल है वो भी साथ यही है, मतलब आई बिलीव ग्रुप टू की में भी ये सब लोग काम करते हैं, जॉब शॉप करते हैं, या फिर यू नो अपना कमाते हैं, इस तरह कुछ इनका ना सिस्टम है, हर कोई कमा रहा है, चाहे इनकी आपकी मदर इन लॉ है, चाहे आपका फादर इन लॉ है, चाहे वो रिटायर्ड है, अभी स्टिल कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, कुछ ना कोई काम, कुछ ना कुछ इस तरह ना चलता ही रहता है उनका। सो स्ट्रेंथ, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, जहाँ तक वो कनेक्शन है आपको देने का, जिसे क्या कहते हैं, सहारा, सपोर्ट, आपके लिए खड़ा होना, दैट पर्सन इज अ लाइन हेयर, जस्ट लाइक अ टाइगर, जस्ट लाइक अ लाइन, ये आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जहाँ तक देखो मैं, ये लॉयन जो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ, ये लियो को साइन सा लियो साइन को रिप्रेजेंट करती है, तो दी कुड बी लियो, वेरी पावरफुल पर्सन, ये पावरफुल पर्सन फिजिकल स्ट्रेंथ में भी है और ये मेंटली भी है, ठीक है ना, तो बहुत स्ट्रांग पर्सन है। सो यू आर सो लकी टू हैव देम, सिक्स ऑफ वांड्स, तो ये पर्सन सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने करियर में। मुझे ऐसे दिखता है ग्रुप नंबर टू को, ये पर्सन को जो सक्सेस ज़्यादातर मिली है ना, दैट इज़ इन हिज करियर, ठीक है, ये मतलब फैमिली लाइफ से ज़्यादा
ये करियर में सक्सेसफुल होगा। तो इनको पसंद है जीतना, ये शुरू से ही जीतते आए हैं, चाहे बचपन में कोई डिबेट कंपटीशन था स्कूल में, या फिर कोई यू नो इवन जब उनके इनके 12th के एग्ज़ाम थे, या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, उन्होंने हमेशा विन ही किया है। ठीक है, तो दिस इज़ अ विनर। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ अ गुड न्यूज़ इन योर लाइफ, क्योंकि 6 of Wands इज़ ऑल अबाउट गुड न्यूज़। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता होगा आपकी। ठीक है, और जस्ट लाइक जस्ट टेक अ फुल पैकेज यू आर फॉर देम। सो दिस इज़ हाउ दे आर। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी अगेन बताती है अबाउट द फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेवल आगे क्या करना है, ये पर्सन बहुत दूर की सोच रखता होगा हमेशा से। इसने आपको जब देखा, इसने सोचा शादी का, तो उन्होंने बहुत देखभाल के फैसला किया, उन्होंने ऐसे ही नहीं मुँह उठा के फैसला किया, ये बात याद रखना। ठीक है, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इन्होंने मॉनिटर किया, पहले आपको देखा कि आप कौन हो, क्या करती हो, कैसा कैरेक्टर है, फिर जाके इन्होंने आपको प्रपोज किया होगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यू आर बेस्ट वन, कोई भी आपके जैसा नहीं है, यू आर यूनिक। तो डेफिनेटली दे यू नो फाइनलाइज्ड कि नहीं मैं इसी से शादी करूँगा, लेकिन ये बता दूँ मैं, तो ये है, इसने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा होगा। ठीक है, कि आपको प्रपोज कहाँ करना है, आपसे शादी करके आपके साथ कैसी ज़िंदगी बनानी है, बच्चे कितने होंगे, उनका क्या करना है, उनको नो सच फ्यूचर प्लान, हनीमून कहाँ, ये सब चीज़ें। सो या दिस इज़ सो स्वीट ऑफ देम। यू सी लवर्स मेड फॉर ईच अदर एनर्जी है। ठीक है, जेमिनी एनर्जी, जेमिनी वैसे भी सीज़न है, अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो अभी जेमिनी सीज़न है। लिटरली एवरीथिंग इज़ रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। सो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप और आपके स्पाउस की बोलचाल हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लग जाओ। ठीक है, एक दूसरे से बात करने लग जाओ, मतलब कम्युनिकेशन में आ जाओ, एक स्टार्ट शुरू, एक मतलब स्टार्ट हो जाए एक पूरी बातचीत ना। सो दिस इज़ सो सो गुड एनर्जी ऑल्सो फॉर दिस लवर्स एनर्जी। मुझे दिखता है कि यह पर्सन और आप दोनों इंटीमेट, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होगा एक दूसरे के साथ, एज अ हस्बैंड वाइफ भी। मतलब आप दोनों की, जिसे एक वो बोलते हैं ना, वो लोग पुराने ज़माने के लोग ऐसे कहते होते थे कि इन दोनों की सुर एक ही है। सो ये वो हिसाब होगा, मतलब प्राइवेट बातें किसी से शेयर नहीं करते, घर की बातें बाहर नहीं निकालते, कोई जितना मर्जी कन्विंस कर ले, यू आर ऑलवेज लाइक नो 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 नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अंदर से चाहे लड़ाई हुई भी हो, यू विल ऑलवेज बी लाइक नहीं हम तो नहीं लड़ेंगे। आप लोग कभी ना इसको अपने हेटर्स को मौका नहीं दोगे कि खुश होने का, कि मतलब तुम लोग मुझे जश्न मनाओ कि हम जो है ना लड़े हैं, राइट। तो आप लोग लड़ के भी एक हो जाते होगे। दिस इज़ हाउ क्लोज इस रिलेशनशिप इज़, मतलब जितना मर्जी लड़ाई हो जाए, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी। ठीक है ना, यू विल ऑलवेज बी लाइक नहीं हम वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और वो भी ऐसे ही कहेंगे, नहीं वो तो मेरी वाइफ ही तो मेरा ख्याल रखती है, नहीं हमारी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, वो तो वैसे ही, क्योंकि किसी ने बात सुनी हुई है, वो तो वैसे ही मैं ऐसे थोड़ा सा बोल रहा था, ऊंचा बोल रहा था, मैं तो फ़ोन पर बात कर रहा था, मैं तो फ़ोन पर किसी से लड़ रहा था। हाउ यू नो कवरिंग कवर करना, सो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। तो इस तरह के हैं आप उनका कनेक्शन। 6 of Pentacles भी फाइनेंशियल, जितने आपको पैसे चाहिए, आपको आपका खर्चा पूरा रख रहा है, इनका काम है। दे आर नेवर गोइंग टू टेक यू नो रिस्क ऑन दैट, कि आप किसी से जाके पैसे मांगो, या आप किसी के आगे हाथ फैलाओ, या आपके पास खर्चा नहीं है, बच्चा डायपर से बैठा हुआ है, दूध से बैठा हुआ है, रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी इसका। आपको स्टॉक रदर स्टॉक यू सी ठहरो, ये है आपका हैंड, ये है उनका हैंड, लिटरली यू कैन सी ऑल दैट स्टॉक कमिंग अप हियर। डायपर्स है, उनका स्टॉक पड़ा है, दूध है बच्चे का, उसका स्टॉक पड़ा है। ठीक है, आपकी जो भी शॉपिंग की है, आपकी जो होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, जो भी आपका त्यौहार है, आपको शॉपिंग करनी है, आपके पास एडवांस पैसे भाई जितने तुमको चाहिए। ठीक है, सो नॉट डिपेंड्स ऑफकोर्स जितना अफोर्ड कर सकते हैं, ज़ाहिर है उतना ही देंगे, बट एक चीज़ जो एडवांस में आपके पास पड़ी होती है ना, उसकी और ही एक एनर्जी होती है, मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन कि मुझे कहीं पे जाना नहीं है, मुझे इससे मांग नहीं है, मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसी कोई सोच तो नहीं आने वाली। सो दिस इज सो सो स्वीट ऑफ दैम। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी कि ये काम क्या करते हैं।
ठीक है, प्रोफेशन क्या है इनका, योर फ्यूचर स्पाउस या आपके डेस्टाइन पार्टनर, वार्स एंड बैटल्स। सो मे बी कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे गर्मी होती है, धूप होती है, या फिर आर्मी से हो सकते हैं, पुलिस से हो सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल काम काफ़ी ज़्यादा होता है, फायर फाइटर्स ऐसी कुछ काम करते हैं, या यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन से कुछ कनेक्शन हो सकता है इनका या इनकी फैमिली का, या तो इनकी फैमिली काफ़ी स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है। कम्युनल लिविंग, सो हो सकता है इनकी कोई ना कोई विलेज साइड पर कुछ ज़मीनें वगैरह हों, या फार्मिंग ये करते हों इनके यू नो फोर फादर्स या जो भी है, ठीक है। और इनकी एक हवेली टाइप घर भी हो सकता है टू रेजोनेट विलेज साइड पर या किसी यू नो और इलाके में, ठीक है। ऑर्फन, मे बी पेरेंट्स ना हो या फिर ये अपने पेरेंट्स के से दूर रहते हैं फॉर सम रीज़न, एनी रीज़न, ठीक है, अलहदा रहते हैं, अकेले रहते हैं। सस्पाउस, ये आपको शादी करके अपने साथ वहीं लेके जाएंगे जहाँ ये होते हैं, ठीक है। आई बिलीव ग्रुप नंबर टू, आपकी शादी बहुत ही करीब है एंड आई नो दिस। तो यहाँ पर एनर्जी है मेडिकल फील्ड की, ठीक है, तो मे बी दे आर फ्रॉम मेडिकल साइंस फील्ड, ठीक है, कोई भी लैब टेक्नीशियन, यू को डॉक्टर, इंजीनियर, सो या फिर मे बी कोई साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, या इस तरह से कुछ ना कुछ रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, हो सकते हैं, मे बी जिम, योगा, कुछ इस तरह के गुरु भी हो सकते हैं। So this is also having a high chance. Was so this person is so empathetic. बहुत ज़्यादा इन्हें sympathy, बहुत ज़्यादा छोटा दिल है इनका, मतलब कोई इनके पास आए ना help करने के लिए तो ये है ना अपना खाना भी उठा के उसको दे दें, ऐसे हैं ये, ठीक है ना। So imprisonment and slavery. So maybe कोई police department हो, second है यहाँ पर, मतलब कोई यहाँ को government official हो सकते हैं, ठीक है, कोई judiciary, जज, law, कोर्ट्स, कुछ इस तरह का कनेक्शन हो सकता है इनके प्रोफेशन का। अनदर थिंग इज स्क्राइब और राइट, सो राइटर हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एंड लव लाइफ, बहरहाल जो भी हैं दे आर वेरी वेरी रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा ये रोमांटिक है। आप और इनकी जो लव लाइफ है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस टुगेदर, ठीक है। And let's see more अपना connection, spiritual maturity, बहरहाल काफ़ी मच्योर पर्सन है, आप दोनों ही स्पिरिचुअली मच्योर हो, अपन अपना लाइफ पाथ जो है पर्पस वो भी कंप्लीट करोगे। वर्थीनेस, काफ़ी इनको पता है आपके वर्थ भाई, इनको पता है जब इन्होंने आपसे शादी का पैगाम भिजवाया, बिकॉज दे नो हाउ वर्थी यू आर, बाउंड्रीज एंड लिटरली रिस्पेक्टिंग योर प्राइवेट स्पेस, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है आजकल के दौर में, बट दिस पर्सन इज लाइक दैट, ठीक है। द सिल्वर वाटरफॉल, दिस इज ऑल अबाउट व्हेन समबडी इज शोइंग यू के वो बहुत ज़्यादा खुश है आपके साथ, और वो है, ओके, दे आर नॉट जस्ट शोइंग इट टू यू। सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द पर्सनल मैसेजेस या मिस्ट्री बॉक्स मैसेजेस, डेस्टाइंड पार्टनर। ओके जी, इमेजिनेटिव इंसान है एंड स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी वेरी सक्सेसफुल, प्रे या मैनिफेस्ट, ठीक है, यू नीड टू प्रे, यू नीड टू मैनिफेस्ट, ये भी इस चीज़ पर काफ़ी बिलीव रखते हैं ना, कॉफी पर्सन एंड इंजीनियर, सेल पर्सन, कोई बिजनेस हो सकता करते हो, ब्लॉन्ड या लाइट कलर्ड हेयर्ड,
सो मे बी आपके हो सकते हैं राइट, कुछ ना कुछ है, या दे लव योर ब्लॉन्ड या लाइट ब्राउन कलर हेयर, या हो सकता है यही हो, आई लव यू। मरकरी अगैन आपके पास लवर्स कार्ड आया था रिलेटेड टू जेमिनी, ठीक है, ये भी दिस इज़ द रूलिंग प्लैनेट ऑफ जेमिनी। जैसे मैंने बोला अभी कि जेमिनी सीजन चल रहा है, और अभी अभी जेमिनी में आया है जुपिटर, विच इज़ अ मैसिव शिफ्ट। जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे दैट विल एक्सपेंड। एक साल है आपके पास, क्योंकि एक साल तक जुपिटर जो है अभी रहेगा जेमिनी में, ठीक है। जो आपको करना है, जिस चीज़ को पे आप फोकस करना चाहते हो वो करना शुरू कर दो, एक साल लगा दो इसके ऊपर, वह चीज़ एक्सपेंड करेगी। चाहे ये आपका बिजनेस हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, जिस चीज़ को एक्सपेंशन चाहते हो ना, उस पर एक साल लगा दो और देखो ज़िंदगी आपकी बन जाएगी, वरना फिर ये दोबारा 12 सालों के बाद आएगा, ठीक है। टाइम सो ब्लैक हेयर, काले बाल, ब्लैक शर्ट, so black could be their favorite color, all right, and this is the actor, singer, yeah, social media person. Be mine, I can't wait anymore. This is nice. Love, true love, your love, and just stay calm. They will come to you by themselves. They love your company. Also healing aura, ठीक है, classy dressing sense, sales department, your marriage proposal is here, they want to propose you for marriage, Philippine, Philippines, and brown skin, ठीक है। So group number two, let's move towards their name initials, आपके spouse के this time partner. So spirit please guide me for some initials of this person. Okay. All right, this is B O. Yeah, so this is bold, like literally they want to say something. जैसे मैंने बोला जेमिनी है, कम्युनिकेशन है, कोई बात बोलेगी, ठीक है, बोलेंगे वो कुछ, वी एन ई, सो इट्स कुड बी वी, इफ यू हैव एस इट इज गोइंग टू बी वीनस, ओ माई गॉश, लव प्लैनेट वीनस, ठीक है, लव आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है भाई, ट्रू लव, दिस इज डी, सो दे कुड बी बोल्ड, एम एंड क्यू, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर टू, आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग, एंड या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई वुड से यू गुड बाय, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, लव यू।